महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना तय। शिंदे और अजीत पवार बन सकते हैं डिप्टी सीएम। बीजेपी के कोटे से बनेंगे 20 से 22 मंत्री। नई सरकार में एकनाथ शिंदे को शहरी विकास मंत्री का पद मिल सकता है। शिवसेना से बनाए जा सकते 10 से 12 मंत्री। नई सरकार में अजीत पवार को मिल सकता है वित्त विभाग। अजीत पवार की पार्टी से बनाए जा सकते हैं 10 मंत्री। देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने पर अजीत पवार आदि सूत्रों के मुताबिक अजीत गुट के विधायकों ने फडणवीस का समर्थन किया है। आदित्य ठाकरे को मिली बड़ी जिम्मेदारी बनाए गए शिवसेना यूबीटी के विधि मंडल के नेता। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे का बयान, हमें पूरा भरोसा, हम आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में वापसी करेंगे। शिवसेना ने सीएम पद पर दावा ठोका। संजय सिराट ने कहा चुनाव में एकनाथ शिंदे ही सरकार का चेहरा। शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने कहा बिहार का फॉर्मूला महाराष्ट्र में लागू, शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम की रेस में आगे बताया का महायुति के तीनों नेताओं को इसका फैसला लेना है। शिवसेना ने अपने विधायकों के लिए मुंबई में 5 सितारा होटल ताज लैंड सेंड में 60 से ज्यादा कमरे बुक किए। रविवार को एकनाथ शिंदे चुने गए विधायक दल के नेता। एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल बोले महाराष्ट्र में हमारी जीत अप्रत्याशित, विपक्ष अब क्या कह रहा है उसका कोई अर्थ नहीं है, अब वो ईवीएम और बहुत सारी चीजों को दोष देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में महायुति की जीत पर बोली सांसद हेमा मालिनी, का अच्छे काम हो रहे इसलिए जनता बीजेपी को पसंद कर रही है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाद मुंबई में फिर लगे सीएम योगी के पोस्टर। पोस्टर में लिखा बटेंगे तो कटेंगे, स्ट्राइक रेट 95%। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की मान्यता रद्द कर सकता है चुनाव आयोग। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा में एक सीट भी ना मिलने के चलते रद्द हो सकती है मान्यता। वक्फ बिल के खिलाफ 30 नवंबर को सड़कों पर उतरेगी टीएमसी। 2 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा दाव, दिल्ली सरकार में बुजुर्गों की पेंशन राशि बढ़ाई। 70 साल से ऊपर वालों को मिलेंगे 2500 रुपए महीना। सुप्रीम कोर्ट का संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी पार्टी और धर्म निरपेक्ष शब्द हटाने से इनकार, कहा यह संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे सांसद इंजीनियर रशीद, संसद सत्र में भाग लेने के लिए मांगे अंतरिम जमानत। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हमारा संविधान हमारा सम्मान पद यात्रा में हिस्सा लिया। योगेश्वर दत्त और मीराबाई चानू भी शामिल। हमारा संविधान हमारा सम्मान पद यात्रा पर बोले किरेन रिजिजू, कहा इस साल संविधान के 75 साल पूरे हो जाएंगे इसलिए यात्रा निकाल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने हमारा संविधान हमारा सम्मान पद यात्रा में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। गोरखनाथ मंदिर में सुनी लोगों की समस्याएं। दतिया में पीताम्बरा देवी मंदिर पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और लालू यादव, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। तेजस्वी यादव ने कहा हम लोग झारखंड जीते हैं, महाराष्ट्र में हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। तेजस्वी यादव का बयान बोले हम लोग पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाले 2025 में बिहार चुनाव हम जीतने वाले हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शामिल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी को व्यापार मेले के लिए दी बधाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा उत्तराखंड में कई तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उनकी मांगे बढ़ रही है, बोले इससे महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। संबल हिंसा पर बोले संबल के एसपी, कहा भीड़ की तरफ से फायरिंग की गई, पथराव वाली जगह से हथियार मिले। एसपी संबल बोले सीसीटीवी से दंगाइयों की पहचान हो रही है, अब तक 25 लोग गिरफ्तार। संबल हिंसा पर असुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले संबल में 4 लोगों की मौत, मर्डर, दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त एक्शन हो। पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को संबल जाने से रोका, हापुड़ में ही पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी भी रोकी। संबल हिंसा पर चंद्रशेखर आजाद बोले संबल में पुलिस ने गोली चलाई, प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा है। संबल जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने हिंसा के लिए प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार, का मस्जिद में खुदाई और वजूद की अफवाह से हिंसा हुई। जफर अली ने आरोप लगाया कि पुलिस ने लोगों को गाली दी है, लाठियां बाजी, जिससे हिंसा बढ़ी है। जियाउर रहमान वर्ग के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, कहा हमारे सांसद संबल में थे ही नहीं, बावजूद इसके एफआईआर कर दी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि संबल में योगी सरकार ने दंगा कराया है, कहा 4 लोगों की मौत पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। संबल की घटना पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, का ये गोधार कांड की तरफ विपक्ष की पूर्व नियोजित रणनीति थी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा यूपी में पुलिस के लोगों को गुंडा मवाली बना दिया गया। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने संबल हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया, कहा डीएम एसपी पर चलना चाहिए हत्या का केस। संबल हिंसा का नया वीडियो सामने आया, नकाब पहनकर पत्थर मारते दिखे दंगाई। संबल मस्जिद विवाद में याचिकाकर्ता मंत्री ऋषि राजगिरी का दावा, बोले विक्रम संवत 987 के नक्शे में मंदिर होने का प्रमाण, संबल में मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद। संबल हिंसा पर राहुल गांधी का बयान, बोले 4 लोगों की मौत की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की, बीजेपी सरकार का रवैया पक्षपात, जल्दबाजी भरा। संबल में पथराव की घटना पर बोले डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, कहा जो भी घटना हुई है वो दुखद है, जांच होगी, निष्पक्ष कार्रवाई भी होगी। संबल हिंसा को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, लिखा विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट को मामले का संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए। संबल में हुई पथराव की घटना पर बोले एसपी सांसद अवधेश प्रसाद, का मैं यूपी सरकार से मांग करता हूं दोबारा ऐसी घटना ना हो।
शीत सत्र शुरू होने से ठीक पहले पीएम मोदी का संबोधन का संसद का ये सत्र कई मायनों में अहम, संविधान 75वें साल में प्रवेश कर रहा है। संसद सत्र से पहले बोले पीएम, कहा संसद में स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, शीतकालीन सत्र में माहौल शीत रहेगा। पीएम बोले, मुट्ठी भर लोग हुड़दंग करके संसद कंट्रोल करना चाहते, जनता ऐसे लोगों को पहचान कर सजा देती है। पीएम मोदी बोले, जनता से नकारे गए लोग चर्चा नहीं होने देते हैं, वो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, उन्हें अपने दायित्वों की परवाह नहीं। पीएम बोले, विपक्ष जनता जनार्दन की भावना का सम्मान करे, कुछ लोग नाकाम करते ना करने देते हैं। पीएम बोले, उमंग उत्साह के साथ सत्र चलने की उम्मीद, गवाए गए समय पर पुनर्विचार जरूरी। हंगामे के साथ संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 27 नवंबर तक के लिए स्थगित हुई लोकसभा और राज्यसभा। वक्फ बिल पर जेपीसी के विपक्षी सांसदों ने मोहलत मांगी, लोकसभा स्पीकर से जेपीसी की रेडलाइन बढ़ाने की मांग। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को सौंपा लेटर, लोकसभा स्पीकर ने कहा, निवेदन पर करेंगे विचार। बेंगलुरु में वक्फ बिल के खिलाफ एआईएमपीएलबी का ऐलान ने जंग, एआईएमपीएलबी ने कहा, जान दे देंगे, वक्फ बिल लागू नहीं होने देंगे। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में दिखी धुंध की मोटी परत, बहुत खराब श्रेणी में AQI। दिल्ली के अक्षरधाम में छाई धुंध की परत, बढ़ते प्रदूषण से एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में लगातार खराब हो रही वायु गुणवत्ता, इलाके में छाई धुंध। दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदूषण पर काबू करने के लिए प्रशासन ने किया पानी का छिड़काव, इलाके में बहुत खराब श्रेणी में AQI। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, कालिंदी को इलाके में जहरीला झाग दिखा। यूपी के आगरा में धुंध की चादर में लिपटा ताजमहल, शहर के कई हिस्सों में खराब श्रेणी में AQI। यूपी के मुरादाबाद में छाई धुंध की परत, प्रदूषण को काबू करने के लिए नगर निगम ने शहर के कई हिस्सों में पानी का छिड़काव किया। मुंबई के दादर में छाई धुंध की मोटी परत, धुंध के चलते विजिबिलिटी कम। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट का विरोध, नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। जम्मू कश्मीर के एलजी निर्माणाधीन तवी रिवर फ्रंट परियोजना का जायजा लिया, कहा प्रोजेक्ट से जम्मू में पर्यटन का विस्तार होगा। कश्मीर के सोनभद्र में हुई ताजा बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया पूरा इलाका। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी पर्यटकों के लिए बने आकर्षण का केंद्र, बर्फ के खेलते नजर आए टूरिस्ट। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में देखे प्रवासी फ्लेमिंगो, पर्यटकों के लिए बने आकर्षण का केंद्र। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 लागू रहेगा, प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, पूछा ट्रकों की एंट्री पर बैन क्यों नहीं। दिल्ली एनसीआर में फिर से स्कूल खोलने का फैसला, CAQM करे प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। कोर्ट में दिल्ली सरकार पर नाराजगी जताई गई, कहा 18 से 23 नवंबर के बीच ग्रैब 4 के नियमों का पालन ठीक से नहीं किया गया है, ट्रकों की एंट्री कैसे हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, CAQM को निर्देश देंगे कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत सभी एजेंसियों से जवाब मांगे, उन पर मुकदमा भी चले। दिल्ली की आबो हवा में मामूली सुधार, कई इलाकों में AQI बहुत खराब श्रेणी में। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला जीता भारत, ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया। पर्थ टेस्ट में भारत की शानदार जीत, पहली बार पर्थ में ऑप्स में टेस्ट मैच जीता भारत। टीम इंडिया के कप्तान बुमराह ने 8 विकेट झटके, बल्लेबाजी में भारत के लिए दूसरी पारी में जायसवाल और विराट कोहली ने शतक लगाया। इटली में रोम में मेडिटेरियन डायलॉग में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए, मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात पर चिंता जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, भारत मिलिट्री ऑपरेशन आतंकवाद और युद्ध में बंधक बनाने की निंदा करता है। विदेश मंत्री जयशंकर के सलाह, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, सभी देशों को सिज़फ़ायर का समर्थन करना चाहिए।